जश्न ईद मिलादुन्नबी एवं विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत मांडू थाना में परिसर में जश्न ईद मिलादुन्नबी और विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मांडू प्रखंड विकास अधिकारी संजय कुमार कोंगारी ने किया। वहीं थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव, शाहिद सिद्दीकी, अमरेंद्र कुमार गुप्ता, मुखिया बैजनाथ राम, मांडू के सदर मुमताज कुरैसी, पंकज कुमार सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मांडू प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कल ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, जिसको जानने की आवश्यकता थी कि ईद मिलादुन्नबी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा किस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। लोगों ने बताया कि मांडू जामा मस्जिद से एक जुलूस निकाला जाएगा, जो मांडू मणिपाल स्कूल से होते हुए यू टर्न लेकर वापस मांडू जामा मस्जिद में जाकर समापन किया जाएगा। मदरसों के बच्चों द्वारा डिबेट का प्रोग्राम भी किया जाएगा। सभी समुदाय के लोगों ने कहा, मांडू का इतिहास है कि सभी त्योहारों में हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। मांडू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। जैसा कि पता है, कल मिलादुल नबी का त्यौहार है और परसों जो है 17 तारीख कहेंगे कि विश्वकर्मा पूजा भी है। उसी को लेकर एक शांति समिति की बैठक मांडू के सभी प्रबुद्ध जनों के साथ एक बैठक की गई और जैसा ये जानने का प्रयास किया कि मिलादुल नबी में किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। उससे पता चला कि मस्जिद के पास एक जुलूस निकलेगी जो मणिपाल स्कूल तक जाएगी और जाने के बाद पुनः मस्जिद तक लौट के आएगी। तो प्रशासन को यह जानने का एक आवश्यकता था कि क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं और किस तरह से त्योहारों को मनाया जा रहा है, और साथ ही विगत वर्षों में जिस तरह से त्योहारों को मनाया गया, और चूँकि अब त्यौहार का मौसम ही आ रहा है, तो एक तरह से प्रशासन के लिए भी है कि लोगों की मन भावनाओं को जानते हुए समझते हुए जो भी प्रबुद्ध जन है उनके माध्यम से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास था, और इसी क्रम में हम लोगों ने शांति समिति का बैठक किया। आज का निर्देश किस तरह से क्या कुछ बताया गया प्रशासन के? जैसा कि आज शांति समिति की बैठक मांडू थाना परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, और इस दोनों त्यौहार के अवसर पर मैं हिंदू भाइयों से एवं मुस्लिम भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि त्यौहार जो है सो शांतिपूर्ण और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं, और इन दोनों पर्वों पर विश्वकर्मा पूजा और ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। मेरा नाम बैजनाथ राम, मांडूडी मुखिया। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूँ कि इस साइक्लोन में भी आप लोग ने जिस तरह से इस शांति समिति के न्यूज़ को कवर किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। आज ईद मिलादुन्नबी और कह सकते हैं कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, और इस बैठक में आगे का जो कार्यक्रम है जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जो प्रोसेशन है, वो प्रोसेशन हमारा जामा मस्जिद मांडू चट्टी से निकल के वो मणिपाल मांडूडी तक जाएगा, और वहाँ से फिर लौट के आने के बाद जो भी कार्यक्रम है वो जामा मस्जिद कैंपस के अंदर और मदरसा में ही होगा। और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही हम लोगों के लिए और सभी धर्मविनोमियों के लिए ईद मिलादुन्नबी का एक अलग ही मायने रखता है, खुशी का त्यौहार है। जश्न जब बोलते हैं तो समझिए हर्षोल्लास से मनाने की बात करते हैं। तो हम सभी धर्मधर्मियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आप लोग भी शामिल हों, साथ में हम लोग इस जुलूस में शामिल हों, और जो डिबेट मांडू में जो मदरसा में रखा गया है उस डिबेट में भी आएँ, और बच्चों को जिस तरह से हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनके अच्छे कारनामों को एपिसेट करते हैं, तो वो सब हम लोग करेंगे। और ये कार्यक्रम निश्चित है कि विधि व्यवस्था को लेकर शांति समिति की जो बैठक है, हम लोग पहले भी बेहतर तरीके से तालमेल के साथ, क्योंकि शांति समिति के सदस्य होने के नाते अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को हम लोग समझते हैं, तो हम समझते हैं कि सब मिल के हर्षोल्लास से शांति के साथ मनाएंगे और बेहतर तरीके से मनाएंगे, यही हम आप लोगों से कहना भी चाहते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं। अपना परिचय। शाहिद सिद्दीकी, पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल मांडू विधानसभा।
समिति में बैठक। जैसा कि आज विश्वकर्मा पूजा और ईद उल मिलाद नबी के अवसर पर मांडू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, वैसे मांडू तो आपको पहचान है आपसी सौहार्द के लिए, भाईचारगी के लिए। आज तक हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा पैगाम मांडू से मिलता है। मांडू में कभी भी किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं है, उसी को हम लोग बनाते हुए चले हैं चलेंगे। विश्वकर्मा पूजा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, सड़क को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। मेन हमारे अब आगामी दुर्गा पूजा भी आ रही है, उसके लिए भी कुछ हम लोगों ने आप थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे जो थाना प्रभारी थे उनके बीच रखे अपने समस्या। जो सर्विस रोड में जानवर है, गाड़ी है, सब बांध देते हैं या रख देते हैं, उससे आप आमजनों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। सर लोगों ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर जो पूजा ये विश्वकर्मा पूजा बीत जाएगा, उसके बाद हम लोग मार्गदर्शन करेंगे और सबको रोड को क्लियर करेंगे कि आगामी दुर्गा पूजा में किसी को भी दिक्कत ना हो। प्रशासन आश्वासन दिए इस कार्य पर कितने समय? अब तो उम्मीद है प्रशासन करेंगे, हम लोग पहल करेंगे, हम लोग बात रखें। अब बोले कि 17 के बाद ये त्यौहार बीतने दीजिए, काम करेंगे। मेरा पंकज कुमार गुप्ता, उप मुखिया मांडू छठी पंचायत। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।